एजुकेशन ला रहा हूँ स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 4 एंड किए, आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 आपके पास है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है मुख्तसर करना, तो सिंपलीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में एक रूल पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा। ये किसकी एप्लीकेशन है, थोड़ा सा पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपना जो चैप्टर है एप्लीकेशन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बी जो था ये यूज होता है ब्रैकेट के लिए। अब ब्रैकेट आप लोग कितनी तरह की ब्रैकेट से आप लोग वाकिफ हैं, आप लोग इस ब्रैकेट से वाकिफ है, इसको कहते हैं बार, फिर आप लोग इस ब्रैकेट से वाकिफ है, ये आपके पास कौन सी हो जाती है राउंड है, ये आपके पास कौन सी है पैरेंथेसिस है, और ये आपके पास कौन सी है स्क्वायर। तो जब भी ब्रैकेट्स आप लोग सॉल्व करते आए हैं पिछली क्लास में, तो पहले आप लोग किसको सॉल्व करते थे, अगर बार ब्रैकेट होती तो पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते थे। अगर बार ज्यादातर बार ब्रैकेट नहीं होती, बार ब्रैकेट चंद एक क्वेश्चन में आपको दी जाती थी, ज्यादातर आपके पास राउंड ब्रैकेट ही आ रही होती थी, आम अल्फाज में आप छोटी ब्रैकेट बोल रहे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते थे, तो उसके बाद हम पैरेंथेसिस या इसको मिडल ब्रैकेट भी बोला जाता है, मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और उसके बाद आप स्क्वायर या उर्दू में इसे बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो ये तो ब्रैकेट्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। बोर्ड में स्कूल में क्या है कि आप लोगों ने पहले तो ब्रैकेट्स को देखना है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि पहले बार फिर राउंड फिर पैरेंथेसिस और फिर स्क्वायर। ये जो ओ है ये किसके लिए यूज होता है, बी तो हो गया आपके पास ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपके पास कौन कौन सी हो गई, ये जिस तरतीब से मैंने लिखी है एक प्रोसेस है इसके सॉल्व करने का, पहले बार फिर राउंड फिर पैरेंथेसिस और फिर आपके पास स्क्वायर, इसको कर्ली ब्रैकेट भी नाम होता है। अच्छा, ओ का मतलब होता है, हाँ ये जो डी है ये आपके पास है डिवाइड, एम आपके पास है मल्टीप्लाई, ए आपके पास क्या है एड, एस आपके पास क्या है सब्ट्रैक्ट। अब जब भी ब्रैकेट्स के अलावा आप लोग यानी ब्रैकेट्स के अंदर भी और वैसे भी जो सॉल्यूशन का ऑपरेशन है आपके पास वो किस तरह से, अगर आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही हो जिसमें आपके पास है एक एक्सप्रेशन में प्लस भी है डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी आ रही है, तो आप उसको किस रूल से सॉल्व करेंगे, आप उसको डिवाइड रूल की मदद से सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई उसके बाद प्लस और सबसे लास्ट पे आप लोगों ने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ इसके रूल्स हैं, उन रूल्स को अभी हम डिस्कस करते हैं। Contain
subtraction, move from left to right. अगर किसी एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रही हो तो आपने किस तरह से मूव करना है, लेफ्ट टू राइट, यानी आपके पास कोई वैल्यू है 2x माइनस 3x प्लस 5x, तो आप अब पहले प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वैसे तो हमारे पास क्या होता है कि मैं सुनूंगी, पहले हम ऐड करते हैं और बाद में हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, लेकिन अगर प्लस माइनस ही की वैल्यू बता दें तो आप लोगों ने लेफ्ट से राइट चलना है कि जो आपके पास साइन पहले लेफ्ट में आ रहा है पहले उसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसे फिर आप जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसमें आप लोग ऐड करेंगे। ठीक हो गया, इस तरह से कि आप लोगों के पास अगर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन हो तो आप लोगों ने लेफ्ट से राइट चलना है, जो साइन पहले होगा पहले वो सॉल्व होगा तो और उसके बाद जो दूसरा साइन होगा आप उसको सॉल्व करें। रूट टू आपके पास क्या है, when an expression contains only multiplication and division from left to right, बिल्कुल रूल वन की तरह। वहां हमने किसकी बात की है, वहां हमने प्लस और माइनस की बात की है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट ही चलना है और पहले जो लेफ्ट वाली वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग राइट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब जैसा ये इक्वेशन है इसमें पहले आप इसको सॉल्व करें 15, 5 से वैसे क्या होता है आपके पास डिमेंशन क्या करें आप लोग चलेंगे तो उसमें आप पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस माइनस पे कह रहे हैं यहाँ पे चले केस आपके पास ऑलरेडी आ ही हो गया है जिसमें आपके पास डिवाइड आ रहा है ना, ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, एक एग्जांपल इसकी दे देते हैं, अब इस तरह का केस हो तो पहले आप लोगों ने जो लेफ्ट साइड वाला आपका जो ऑपरेशन होगा जो आपको वैल्यू दी जा रही होगी उसको आपने या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, जो दरमियान वाला ऑपरेशन होगा उसी को आप लोगों ने पहले सॉल्व करना है। अगर दोनों आपके पास प्लस या माइनस आ रहे हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड आ रहे हो तो थर्ड रूल कौन से उसको देखते हैं, अब देखिए अगर आपके पास एक ही एक्सप्रेशन में तीन या तीन से ज्यादा या चार ऑपरेशन एक साथ आ रहे आपके पास वैल्यू सर क्या है, 2x 2 + 7x 2
डिवाइडेड बाय 3x2 मल्टीप्लाई बाय 5x2। अब देखें एक ही एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेशन आपके पास आ गए, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, ठीक है, डिवाइड भी है, डिवीजन की क्रिया कर रहे हैं हम लोग, माइनस की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं ये, ठीक है। अब देखिए सारे ऑपरेशन आपके पास आ चुके हैं, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है और सब्ट्रैक्ट भी है। अगर ये केस आ गए तो फिर आप लोगों ने किसको फॉलो करना है, फिर आप लोगों ने रिमेंस रूल को फॉलो करना है कि पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर आप लोग मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। और अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या सिर्फ आपके पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन या एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गए तो आप लोगों ने लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करना है। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।